अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि चैप्टर नंबर, मैं अगर साफ साफ बता दूँ तो चैप्टर नंबर 29 गाइडन का है, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका एक क्विक रिव्यू ही समझ रहे हैं। तो यूरिन कंसनट्रेशन एंड डाइल्यूशन कैसे होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका मेन टॉपिक है, दैट इज़ द कंसनट्रेटेड यूरिन किस तरह से बनता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हमारे पास ADH का लेवल हाई होना चाहिए। ADH जो है वो वाटर को कंजर्व करता है, तो आपके पास जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। दूसरी चीज़ है, हमारे पास होना चाहिए हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडल्ला। ठीक है, आपको पता होगा, याद होगा शुरू में व्हेन आई टोल्ड यू व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, तो मैंने बताया था कि एक होती हैं जक्स्ट्रा मेडलरी नेफ्रॉन्स होती हैं और एक होती हैं आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। उनमें से मैंने बताया था कि जक्स्ट्रा मेडलरी नेफ्रॉन्स वो होती हैं जो कि लंबे लूप ऑफ हेनले होते हैं उनके, और वो मेडल्ला में चले जाते हैं, बहुत लंबे मेडल्ला में गए हुए होते हैं। असल में जो लंबे लंबे लूप ऑफ हेनले हैं ऑफ द जक्स्ट्रा मेडलरी नेफ्रॉन, ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये मेडल्ला में होते हैं, इस वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकते हैं। अब इसका क्या ताल्लुक है आपस में, भी मैंने आपको बताया कि हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडल्ला होना चाहिए। सारी बातें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए ADH हार्मोन की, ये तो बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि बहुत दफ़ा हम बात हो चुकी है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि वाटर कंजर्व करवाता है, और किस तरीके से कराता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ये वीडियो का नाम है। अच्छा, उसके बाद अब आता है हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडल्ला। असल में अब होना क्या है, यहाँ से सोल्यूट्स की रीअब्सॉर्प्शन होनी है। ठीक है, सोल्यूट्स के साथ साथ पानी की भी रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है उसका डिसेंडिंग लिम्ब पानी की रीअब्सॉर्प्शन कराते हैं, और अगला असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ सोल्यूट्स की रीअब्सॉर्प्शन कराता है। तो तब तक किसी चीज़ की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो सकती जब तक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट उसे फेवर नहीं कर रही। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मेडल्ला में इस जगह को बहुत ज़्यादा हाइपर ऑस्मोटिक बनाते हैं। हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब है हमारे पास यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सोल्यूट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन रखने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आए चीज़, हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड पहले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आते हैं, इस जगह आए तो उसे नज़र आए कि आसपास तो सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो ढेर सारा पानी बाहर आके रीअब्जॉर्ब हो जाए। जब ढेर सारा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए ये जगह डाइल्यूट हो जाएगी। फिर जब असेंडिंग लिम्ब तक बात पहुंचेगी तो वो असेंडिंग लिम्ब देखेगा कि बाहर वाली जगह तो डाइल्यूट है, तो ढेर सारा सोल्यूट इधर रीअब्जॉर्ब कर देगा जो ट्यूब्यूल के अंदर था। जब ढेर सारा सोल्यूट दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो जगह दोबारा से कंसनट्रेटेड हो जाएगी, और फिर ये वाला फ्लूड आगे चला जाता है। इस तरह से हमारे पास ये जो जगह है लूप ऑफ हेनले, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। और वो किस तरह से होता है कि बाहर हमने हर टाइम हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट की हुई होती है। अब ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हुई कैसे, इस बात पर हम आ जाते हैं। जो इसके लिए प्रोसेस है उसका नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपने हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट की हुई है। अभी मैं बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। अच्छा जी, तो अब स्टेप्स जो है बारी बारी हम उस पर चलते हैं, किस तरह से हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट होती है इंटरस्टीशियम में। उसके लिए हमारे पास ये मैंने बनाई है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले ये, और आपको बताया कि नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी जो बॉडी फ्लूइड्स की है उसे हम ले लेते हैं 300 मिली ऑस्मोल्स। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली 282 होती है, बट चले इस वक्त राउंड ऑफ फिगर लेते हैं 300। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये कि जो यहाँ ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड आता है, जो लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड आता है, उसकी भी ऑस्मोलैरिटी उतनी होगी जितनी हमारे नॉर्मल उसकी होती है बॉडी की। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी PCT होती है, आपने याद रखना है PCT DCT क्या चीज़ें होती हैं, ये अक्सर वाइवा में MCQs में इसी नाम से आ जाते हैं। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, DCT का मतलब होता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इसी तरह LH का मतलब होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो PCT जो अप्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि सॉल्यूट और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बराबर हो रही होती है, इस वजह से वहाँ पर आपके ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आता। फिर अब लूप ऑफ हेनले में बात आ गई, यहाँ पर है अब जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी 300। अभी बाहर जो इंटरस्टीशियल है, इंटरस्टीशियम है किडनी का, उसकी भी ऑस्मोलैरिटी 300 है। ठीक है, अभी हाइपर ऑस्मोटिक नहीं है वो, अभी हमने इसे बनाना है। ठीक है, 300 था, डिसेंडिंग लिम्ब से कोई पानी रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ। अब बात आ गई असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में जब ये पहुंचे तो यहाँ पर तो आपको पता है सोल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन लाजमी तौर पे होनी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए। पानी की रीअब्सॉर्प्शन तो हमेशा तब होती है जब उसे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फेवर करता है। ठीक है, अगर पानी को यहाँ पर 300 की ऑस्मोलैरिटी अंदर थी और 300 की ऑस्मोलैरिटी बाहर थी, तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फेवर नहीं कर रहा था क्योंकि उसके बराबर बराबर बात थी, तो वो यहाँ पर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस जगह असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आएंगे तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चल रहा है जिसके थ्रू सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और यूरिया वगैरह रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, तो यहाँ पर ऑल्दो 300 बराबर थी, उसके बावजूद
असेंडिंग लिम्ब से सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होके बाहर आ गए एक्टिवली, ठीक है। जब सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होके बाहर आ जाएंगे तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी कम, बाहर की हो जाएगी ज़्यादा, सिंपल सी बात है। तो हम अगले स्टेप में जो बनाएंगे लूपाफेनले, उसमें हम दिखाएंगे कि अंदर की ऑस्मोलैरिटी 300 से डिक्रीज़ होके होगी है 200, जबकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होके होगी है 400, ठीक है। 200 का डिफरेंस आ गया दोनों में। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब फ्लूइड, क्योंकि एक दफ़ा तो आगे गुजर नहीं जाना, बार बार आना है, अगली दफ़ा फ्लूइड आया, फिर से 300 की ऑस्मोलैरिटी लेके आया अपने पास, ठीक है जी। अब की बारी क्या हुआ कि जब वो 300 की ऑस्मोलैरिटी लेके अंदर आया, नीचे इधर पहुंचा, तो उसने देखा बाहर जो है हमारे पास 400 है, क्योंकि बाहर तो सारा 400 हो चुका था, तो इंटरस्टीशियम सारा 400 हुआ हुआ ऑस्मोलैरिटी में। इसका मतलब अब देखा अंदर वाले पानी ने कि बाहर तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब बाहर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो जैसे ये देखता है पानी पैसिवली फ़ौरन बाहर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जब पानी पैसिवली बाहर रीअब्जॉर्ब होता है तो भी हम बाहर को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी जो है वो पानी बाहर आ जाएगा तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और हो जाएगी 400, ठीक है। अंदर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। अब ये 400 वाला फ्लूइड पहुंचा असेंडिंग लिम्ब तक। जब 400 वाला फ्लूइड असेंडिंग लिम्ब तक पहुंचा और बाहर की जो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी थी वो ऑलमोस्ट 400 ही रहती है, थोड़ी बहुत अगर किसी की जगह 300 हो जाएगी पानी के आने से। जब ये देखेगा कि यहाँ पर 400-300 यानी मेरे बराबर बराबर ही हिसाब है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म लगे हुए हैं, सोल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, सोल्यूट की यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन होगी जाएगी, तो जो 400 का फ्लूइड अंदर आया था जो 400 मिली ऑस्मोलर था, बाहर जब उसमें से सोल्यूट निकल आएंगे सारे के सारे तो ये फिर डायल्यूट हो जाएगा और ये आगे जाएगा तो ये फिर से 200 हुआ हुआ होगा, ठीक है। और बाहर की ऑस्मोलैरिटी 400 या 300 के बराबर थी, जब मजीद सोल्यूट इसमें आ गया तो ये ऑलमोस्ट 500 हो गई है, ठीक है। ये स्टेप अब बार बार रिपीट होगा। अब क्या होगा, अगली बार फिर से 300 वाला सोल्यूट आएगा, 300 वाला सोल्यूट। अब अगर यहाँ पर सॉरी इधर बनाती हूँ, ये लूपाफेनले में बनाऊँ, अब अगली बार फिर से 300 वाला सोल्यूट आया, अब वो जब इधर आएगा तो उसे इंटरस्टीशियम की ऑस्मोलैरिटी 500 नज़र आएगी, 500 नज़र आएगी तो पानी फौरन से बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आएगा सारा तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी फिर से 400 हो जाएगी। अब ये 400 हुई है, पानी बाहर आ गया, इसकी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इंटरस्टीशियम को, असेंडिंग लिम्ब में पहुँचे हैं। असेंडिंग लिम्ब में जब 400 का फ्लूइड अंदर पहुँचता है और बाहर की ऑस्मोलैरिटी 500 हुई हुई है, तो एक्टिवली हमारे पास सोल्यूट सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। सोल्यूट जब बाहर आएंगे इसकी ऑस्मोलैरिटी फिर से 200 हो जाएगी, 200 बन के आगे चला जाएगा और 500 वाली की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होकर 700 हो जाएगी। इस तरह बार बार ये स्टेप रिपीट होता है कि यहाँ से नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड आता है, जब इधर पहुंचता है तो पानी रीअब्जॉर्ब होता है पैसिवली, आगे पहुंचता है सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। जहाँ से पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा उस जगह की ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी ज़्यादा, और जहाँ से सोल्यूट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी कम, ठीक है, जिस जगह से अब्जॉर्ब होगा, और जिधर जाके ऐड होगा उधर की तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारे पास बार बार ये रिपीट होते होते आपके पास जो इंटरस्टीशियम है उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 1200, ठीक है, 1200 मिली ऑस्मोलर तक पहुंच जाती है। फिर ये 1200 होने के बाद इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती, 1200 ही रहती है। उसके लिए मैं अभी आपको अलग से बताऊँगी कि कंजर्वेशन ऑफ दिस हाइपरऑस्मोटिक रीजन में डल्ला कैसे होता है। अभी आप ये याद रखें कि बनता कैसे है, तो बनने में ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। अगर आपको नहीं समझ आए, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।